वेलकम बैक। इस क्वेश्चन में अपने पास ये मॉलिक्यूल है और बोला है कि कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड लेंथ, मतलब दिस बॉन्ड लेंथ एंड दिस बॉन्ड लेंथ को कंपेयर करना है, विच विल बी लॉन्गर विच विल बी शॉर्ट। सो देखो NO2 ग्रुप लगा हुआ है, अपने पास तीन कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड, मैंने मार्क किया X, इसको मार्क किया Y और एक वो है Z। देखो इतना तो क्लियर है, लेंथ ऑफ दिस बॉन्ड एंड दिस बॉन्ड विल बी इक्वल, क्यों? सिमेट्रिकल है, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, एग्जैक्टली सेम तो है, ये भी ब्रोमीन के ऑर्थो में, ये भी ब्रोमीन के ऑर्थो में, तो X एंड Y विल बी इक्वल, दिस इज वेरी क्लियर बाय सिमेट्री। पॉइंट है Z, जेड अनइक्वल होगा। अब हम लोग को पता करना है जेड इज लॉन्गर और शॉर्टर। तो देखो कैसे, हम लोग को पता है यहां पर रेजोनेंस होगा, यहां भी रेजोनेंस होगा, यहां भी रेजोनेंस होगा, कैसे होगा समझ, ये डबल बॉन्ड यहां आएगा और ये यहां आएगा, ये होना है। तो अब देखो यहां पर रेजोनेंस है, यहां पर भी वही हाल होगा ना, ये इधर आएगा और ये इधर आएगा, यहां पर भी सेम फिनोमेना होगा, इधर और इधर। तो हम लोग को पता है दिस विल हैव पार्शियल डबल बॉन्ड ड्यू टू रेजोनेंस एंड दिस विल आल्सो हैव पार्शियल डबल बॉन्ड ड्यू टू रेजोनेंस, और ये भी होगा पार्शियल डबल बॉन्ड ड्यू टू रेजोनेंस। अब दिस पार्शियल डबल बॉन्ड, दिस पार्शियल डबल बॉन्ड एंड दिस पार्शियल डबल, विच विल बी मोर पार्शियल डबल बॉन्ड। तो देखो अगर रेजोनेंस होगा यहां पर, यहां पर, यहां पर इक्वल, तो बॉन्ड लेंथ इक्वल आ, बट दिस रेजोनेंस विल बी लेसर कंपेयर टू दिस, क्यों समझते? ये जो ग्रुप है आपका ब्रोमीन से रिपेल होगा, स्पेस के लिए फाइट हो गया, स्टेरिक रिपल्शन हो गया यहां पर, और यहां पर भी आपका स्टेरिक रिपल्शन, स्टेरिक रिपल्शन, ड्यू टू स्टेरिक रिपल्शन इस ग्रुप का इसके साथ रिंग के साथ रेजोनेंस होगा, वीकर हो जाएगा या कम हो जाएगा, क्यों? इसका अभी ये जो है रोटेट कर जाता है और ये भी रोटेट कर जाता है टू मिनिमाइज स्टेरिक रिपल्शन बाय इंक्रीजिंग द डिस्टेंस बिटवीन ब्रोमीन एंड ऑक्सीजन, रोटेट कर जाएगा, ये भी रोटेट करेगा तो ब्रोमीन और ऑक्सीजन का जो डिस्टेंस है इंक्रीज कर जाएगा। ड्यू टू दिस रोटेशन ये जो डबल बॉन्ड वो है और ये जो डबल बॉन्ड है इसका कॉन्जुगेशन ब्रेक कर जाएगा, कॉन्जुगेशन तब हो जाता है ना जब दिस 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 आर इन द सेम प्लेन, बट ये रोटेट कर जाएगा, जो तो ये पाई बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड का प्लेन अलग हो जाएगा, सो दिस विल हैव लेसर रेजोनेंस, और यहां पर वैसा कुछ नहीं है, सो दिस विल हैव मोर रेजोनेंस, सो ड्यू टू मोर रेजोनेंस दिस विल हैव मोर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, सो दिस विल बी शॉर्टर एंड दे विल बी लॉन्गर। तो आंसर आएगा हमारा जेड विल बी शॉर्टर देन एक्स एंड वाई, तो हम लोग ये बोल सकते हैं जेड इज शॉर्टर देन एक्स एंड वाई एंड एक्स एंड वाई आर इक्वल। अब अगर हम लोग को नंबर के हिसाब से बोलेगा तो बोलेंगे C1 एंड नाइट्रोजन बॉन्ड इज इक्वल टू C5 नाइट्रोजन बॉन्ड एंड दीज टू बॉन्ड लेंथ आर लॉन्गर देन C3 नाइट्रोजन बॉन्ड, वही चीज है जो यहां है वही की है, ठीक है। तो हमारा आंसर ये, ठीक है, थैंक यू।